दोस्तों, पहले के जमाने में कहा जाता था कि जब कोई इंसान मर जाता था तो यमराज खुद धरती पर आते थे और उसकी आत्मा को अपने साथ लेके जाते थे। लेकिन दोस्तों, आगे आने वाले जमाने में क्या कहा जाने लगेगा कि यमराज और आत्मा का मिलन होगा, तो लेकिन इस बार आत्मा खुद चल के जाएगी यमराज के पास। और दोस्तों, यमराज भी वैसे नहीं दिखेंगे जैसे कि वो एक्चुअल में दिखते हैं, कि भाई साहब वो भयंकर से हैं, वो बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने गदा पकड़ के रखी हुई है, जब भी वो आएंगे तो मौत का अंदेशा होगा। नहीं, अब वो एक सिंपल इंसान की तरह दिखेंगे जो एक साइंटिफिक तरीके से साइंस का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक आत्मा को रिफ्रेश करेंगे भाई साहब, उसकी जो पुरानी यादें मिटाएंगे और उसको वापस से धरती पर एक नए रूप में जन्म दिलाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कॉर्नर वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, यार मैंने आपको यमराज पे इतना ज्ञान क्यों दिया, क्यों मैंने आपको इतना पकाया? तो दोस्तों, ये ज्ञान मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आज मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है कार्गो। और भाई साहब, ये मूवी देख के मेरा इस मूवी के मेकर से सिर्फ एक ही सवाल है, अरे भाई इतना यूनिक कॉन्सेप्ट सोच कैसे लेते हो? और दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी कार्गो मूवी का रिव्यू करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसी लगी मुझे ये मूवी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए इस वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वाह मैंने इंग्लिश का वर्ड बोल दिया। तो दोस्तों, ये मूवी मुझे डिसेंट लगी। अब आप कहोगे, यार तू बड़ा अजीब इंसान है, अभी तूने कहा इस मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है तो तुझे तो ये मूवी बढ़िया लगनी चाहिए। अरे दोस्तों, मूवी में कॉन्सेप्ट के अलावा और भी कई चीजें होती हैं जिसे हम क्रिटिसाइज करते हैं, और इसी की वजह से ये मूवी मुझे डिसेंट लगी, बढ़िया लगी या कम लगी, उसी के हिसाब से ये चीज तय करी जाती है। और भाई साहब, जिस हिसाब से मैंने ये मूवी देखी है, मुझे ये मूवी डिसेंट लगी। मैंने इस मूवी का ना तो बेकार कहा है, ना ही बहुत ही जबरदस्त कहा है, मुझे ये मूवी डिसेंट लगी। अब कैसे डिसेंट लगी वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये स्टोरी मिक्सचर है हिंदू माइथोलॉजी और साइंस का। अब कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू कल्चर के हिसाब से जब भी कोई बंदा मर जाता है तो उसकी आत्मा को यमराज लेने आते हैं। और दोस्तों, इस मूवी में भी कुछ वैसा ही दिखाया गया है। जब भी कोई बंदा धरती पर मर जाता है तो उसकी आत्मा एक स्पेसशिप में जाती है, जहाँ पे एक प्रहस्त नाम का एस्ट्रोनॉट होता है, जिसका रोल निभाया है हमारे बबलू भैया यानी विक्रांत मैसी ने। और दोस्तों, जो प्रहस्त होता है ना, ये उन आत्माओं का जिन्हें कारगोस कहा जाता है, उनकी पुरानी यादों को मिटाता है और उन्हें वापस धरती पर भेज देता है एक नए रूप में जन्म लेने के लिए। और दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये प्रहस्त काम कर रहा होता है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इंसानों के साथ एक ट्रीटी साइन की होती है, एक संधि साइन की होती है, जिसके अकॉर्डिंग जब भी कोई इंसान मर जाता है तो ये लोग उस इंसान की आत्मा के साथ ये सब करते हैं, उसकी यादें मिटाते हैं और उसे वापस से धरती पर भेज देते हैं एक नया जन्म लेने के लिए। तो फिर दोस्तों, प्रहस्त बहुत सालों से यही काम करता है स्पेसशिप के अंदर, कि जो भी आत्माएं आती हैं धरती से मरने के बाद, वो उनको हील करता है, उसको ठीक करता है, उसकी यादें मिटाता है और उसे वापस से धरती पर भेज देता है एक नया जन्म लेने के लिए। और दोस्तों, एक दिन प्रहस्त को एक असिस्टेंट प्रोवाइड करवा दी जाती है जिसका नाम होता है युविष्का। लेकिन दोस्तों, ये जो युविष्का होती है कई कारणों की वजह से अपने काम के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती है, अपने काम में चूक करती रहती है, और इसी कारण की वजह से इसको वापस धरती पर बुलाने की बातें शुरू हो जाती है। ये तो वही बात हो गई, काम शुरू किया नहीं, वापस धरती पर बुला के बेरोजगारी बढ़ा लो तुम तो। मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या युविष्का को धरती पर वापस बुला लिया जाएगा, और क्या प्रहस्त बचा लेगा युविष्का को धरती पर वापस जाने के लिए, और क्या प्रहस्त और युविष्का के बीच में प्यार होगा या नहीं होगा? अरे मेन ही तो यही होता है। और क्या है ये पूरा प्रोसेस कारगोस का? तो दोस्तों, इन सारे राजों से पर्दा उठाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी कारगो। तो दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टोरी की, भाई साहब एक नंबर की यूनिक स्टोरी। मुझे तो ये भी लगता है हॉलीवुड में भी ऐसी मूवी बनी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों स्काईफाई का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही बड़ा महंगा टॉपिक होता है। जब भी आप कभी स्काईफाई पे मूवी बनाना चाहते हो ना, तो आपका बजट हमेशा हाई रहेगा। लेकिन इन्होंने कम बजट में जो स्काईफाई की मूवी बनाई है ना, उसके लिए इन लोगों की दाद देनी चाहिए। आइए देवी और सज्जनों, अब बात करते हैं कोरोना पॉजिटिव की, सॉरी पॉजिटिव पॉइंट्स की। इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट विक्रांत मैसी और श्वेता त्रिपाठी की एक्टिंग। भाई साहब, दोनों लड़का लड़की ने क्या एक्टिंग करी है, मजा आ गया देख के। श्वेता त्रिपाठी ने जिस हिसाब से एक असिस्टेंट का रोल निभाया है ना, कि जब भी कभी सीनियर्स उनको डांटते हैं, उनके चेहरे पे नर्वसनेस प्लस गुस्सा जो होता है ना, देख के तो ऐसे लगता है यार ये लड़की सब जानती है, बहुत आगे तक जाएगी, बखूबियत जानती है ये लड़की। वाह कितना महंगा हिंदी का वर्ड बोला मैंने।
और दोस्तों बात करें विक्रांत मैसी की, उस बंदे ने जिस हिसाब से एक एस्ट्रोनॉट का रोल निभाया है ना, कि कैसे एक एस्ट्रोनॉट कई सालों से स्पेस में ही रह रहा है, स्पेसशिप में रह रहा है, वो देखने में जबरदस्त था। और दोस्तों इन्होंने जिस हिसाब से एक एस्ट्रोनॉट की लाइफ को पोर्ट्रे किया ना, वो भी बहुत बढ़िया लगता है देखने में, कि कैसे एक एस्ट्रोनॉट कई तरह की प्रॉब्लम्स को झेलता है स्पेस में। अरे भैया मेरी तो बात मानो, श्वेता त्रिपाठी और विक्रांत मैसी से बॉलीवुड की पिक्चरें कराओ, दोनों अलग ही लेवल पे ले जाएंगे भाई साहब बॉलीवुड को। और दोस्तों इन्होंने जिस हिसाब से हिंदू माइथोलॉजी और साइंस का यूज करके एक स्टोरी बनाई है ना, वो देखने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है यार। तो आइए देवी और सज्जनों, अब बात करते हैं कोरोना नेगेटिव की, सॉरी नेगेटिव पॉइंट्स की। तो दोस्तों सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, एक घंटे के बाद ये मूवी इतनी बोरिंग हो जाती है ना, इतनी बोरिंग हो जाती है ना कि मेरा तो मन करता है कि मैं दीवार से सर फाड़ लूं और हॉस्पिटल में जाके 2-3 दिन बिता लूं। क्योंकि दोस्तों इन्होंने ये मूवी इतनी खींच खींच के बनाई है ना कि खुद खिंचाव भी कहेगा कुछ ज्यादा ही नहीं खींच लिया मेरे को। और दोस्तों स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी मूवी शांत सी चलती है, एकदम सिंपल सी चलती है। मैं ये नहीं कह रहा तुम मिर्च मसाला डालो, आइटम सॉन्ग डालो, लड़की को नचाओ, मैं ये सब नहीं कह रहा यार, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें तो डालो भाई साहब। अगर इंटरेस्टिंग चीजें नहीं डाल सकते, मूवी की रफ्तार ही तेज कर दो। मुझे तो ये लग रहा था कछुआ कहेगा तू रुक मैं चलाता हूँ इस मूवी को, तुझसे तेज तो मैं ही चला लूंगा। और दोस्तों ये मूवी आप अपने पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हो, क्योंकि इस मूवी में आपकी शराफत के ऊपर पर्दा डाल दिया गया है। क्योंकि इस मूवी में एक भी न्यूडिटी वाले सीन नहीं है, एक भी गाली गलौच नहीं है, एकदम सिंपल सोबर बढ़िया सी पिक्चर है, जिससे कि आपके पेरेंट्स के सामने आपका भंडा फोड़ भी नहीं होगा, है ना, मजा आया ना सुन के। तो देवी और सज्जनों ओवरऑल मेरे हिसाब से कार्गो एक वन टाइम वॉचेबल डिसेंट अच्छी मूवी है, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। और दोस्तों ये था मेरा मूवी रिव्यू इस कार्गो का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, जैसे कि मैं कोई और आगे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टाटा गुड बाय, टेक केयर।